अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे माउस के बारे में, माउस का प्राइमरी बटन को सेकेंडरी बटन में कैसे कन्वर्ट करें, माउस का पॉइंटर कर्सर कैसे चेंज करें, माउस का स्पीड को स्लो और फास्ट कैसे करें। कई बार आपका माउस नहीं दिखता है, खो जा रहा है, उसको हम कैसे चेक करें कीबोर्ड के ज़रिए कि किस दिशा में है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम क्लिक करेंगे स्टार बटन पे और चले जाएंगे कंट्रोल पैनल पे। उसके बाद हम चले जाएंगे माउस पे, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक जैसे करेंगे हमारे सामने एक छोटा सा टैब ओपन होगा, ठीक है। यहाँ कह रहा है स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स। इसका मतलब ये है कि जो आपका प्राइमरी बटन है, यानी ये जो आपका प्राइमरी बटन है, इसको आप सेकेंडरी बटन में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ टिक लगाओगे तो जो ये बटन है जो काम ये करता है वो काम ये करने लगेगा, इसका उल्टा हो जाएगा। पहले आप इससे क्लिक करते थे तो कटता था, अब आपको ये क्लिक करके काटना पड़ेगा या चलाना पड़ेगा, यानी कि उल्टा हो गया, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग इसको इधर ही रखते हैं, यानी टिक हटा के ही रखते हैं, इसको नॉर्मल ही रखते हैं, ठीक है। कई बार अगर आपके माउस में इस वाले बटन में प्रॉब्लम आ गई और आपको यूज करना है तो आप ये चीज़ कर सकते हो, यानी कि आपको अगर माउस का ये बटन उल्टा घुमा के चलाना है तो आप यहाँ टिक लगा दो, जो आपका प्राइमरी बटन होगा वो सेकेंडरी बटन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपका सेकेंडरी बटन होगा वो आपका प्राइमरी बटन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरीके से माउस जो है यूज होगा, ठीक है। आगे चलते हैं पॉइंटर्स। पॉइंटर में आप कर्सर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमें ये सभी दिख रहा है आपको कर्सर, ये देखिए। अगर और भी करना है तो यहाँ चले जाइए ब्राउज़र पे, यहाँ क्लिक कीजिए, आपके सामने कई सारे कर्सर दिखेंगे, ठीक है। यहाँ कर्सर लिखा है, ये कर्सर का ही लिस्ट है सारा, ठीक है। इसमें आपको जो भी कर्सर अच्छा लगे उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं ये किया पेन वाला, ओके किया, ओपन किया, अप्लाई किया, फिर ओके किया, अब क्लोज किया मैं। ये देखिए थोड़ा देर पहले आपका माउस जो था वो दूसरा था, अभी दूसरा है, ठीक है। यहाँ से होगा ये माउस से यहाँ पे, ठीक है, यहीं से हम चेंज करेंगे। अगला है पॉइंटर ऑप्शन। पॉइंटर ऑप्शन में हम इसकी माउस जो है इसकी स्पीड को हम स्लो और फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इधर आप करोगे राइट साइड तो क्या होगा, ये फास्ट हो जाएगा। अगर आप लेफ़्ट साइड करोगे तो क्या होगा, स्पीड स्लो हो जाएगा। इस तरीके से आप स्पीड को स्लो और फास्ट कर सकते हो, ठीक है। ये कह रहा है डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल्स। इस पर अगर टिक लगाओगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर आपको इधर करना है लेफ़्ट साइड तो ये और कम हो जाएगा, और कम आएगा ऐसे इफ़ेक्ट, ठीक है, ट्रेल के जैसे। हटा दोगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है। मैं इसके बारे में नहीं बताया, सिर्फ मैं स्लो फास्ट बताया और ये बताया। अब हम चलते हैं। कई बारी क्या होता है कि माउस हमारा खो जाता है, जैसे अभी देखिए माउस नहीं दिख रहा है, खो गया, ठीक है, किस दिशा में है नहीं पता, और हमें देखना है कि माउस कौन सी दिशा में है, कहाँ है, ठीक है। तो इसकी जो सेटिंग है वो यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सो लोकेशन ऑफ पॉइंटर विन आई प्रेस द कंट्रोल की। अगर आप यहाँ टिक लगा देते हो, ओके कर दो, अगर आप कंट्रोल की दबाते हो तो क्या होगा, आपका दिशा बताएगा कि कौन सी दिशा में आपका माउस है इस समय, ठीक है। अभी देखिए, अभी हमारा जो है हमें पता है कि राइट साइड में है, ठीक है। अगर कोई आ रहा है, कोई नवा बंदा आ रहा है कंप्यूटर चलाने, ठीक है, वो माउस ढूंढेगा तो ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे कंट्रोल की दबाओ, इस तरीके से आपको लोकेशन दिखाई देगा कि कौन सी दिशा में है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं अब तक इसके बारे में, अगर इसको टिक लगा रहे हो तो ये उल्टा हो जाएगा, प्राइमरी बटन सेकेंडरी हो जाएगा, सेकेंडरी बटन प्राइमरी हो जाएगा। और इसमें मैं आपको बताया पॉइंटर से आप इनको चेंज कर सकते हो ब्राउज़र में जाके, जो भी आपको चाहिए। इसमें काफ़ी सारे हैं कर्सर, ठीक है। और इसमें मैं आप लोगों को बताया, पॉइंटर ऑप्शन में मैं बताया स्लो फास्ट। इसमें मैंने आपको बताया कि ऐसे ट्रेल्स कर सकते हैं इनको, यानी कि अगर आपको इस तरीके से इफ़ेक्ट चाहिए, इस तरीके से चाहिए, तो यहाँ टिक लगा दो। इसमें मैंने आपको बताया
कंट्रोल की दबाने से आपका माउस का दिशा पता लगता है कि कौन सी दिशा में माउस है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आई हो। धन्यवाद।